दबीपुरा इलाके में वाकई दरगाह हजरत बुद अली शाह में गैर मजाज तामीरात पर मुतवली फरीदा बेगम ने शदीद एहतजाज किया और रियासती वक्फ से मुतालबा किया कि वो इन गैर मजाज तामीरात को फिलफौर रुकवाए। उन्होंने बताया कि एक साल कबल भी वक्फ बोर्ड की मदाखलत के बाद ये काम रोक दिया गया था, लेकिन खाबेजिन दोबारा तामीरी काम शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन दबीपुर में भी इस सिलसिले में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। मतलब बरकतों, मैं उस्मानपुरा दरगाह अबू अली शाह की मुतवली फरीदा बेगम बोल रही हूँ। दरगाह में इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा, इलीगल कंस्ट्रक्शन चलने की वजह से आज हम लोग डबिलपुरा पीएस को आए काम रुका के वहाँ का। उन्होंने बोल रहे हैं वक्फ बोर्ड वाले उनको परमिशन दिए बोल के, वक्फ बोर्ड वाले भी उनको कंडीशन पे परमिशन दिए कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप प्लस जीएचएमसी से परमिशन लियो बोल के। लेकिन उन्होंने जीएचएमसी का परमिशन नहीं लाए, सिर्फ वक्फ बोर्ड का परमिशन लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। आप लोग हम वक्फ बोर्ड में दिए एक साल पहले, पहले डबिलपुरा पीएस में दिए, फिर प्लस वक्फ बोर्ड में दिए। एक साल पहले ही उन्होंने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए थे, छत डाल रहे, तो हम रुका दिए थे वो चीज़ का, रुका के उन्होंने एक साल के बाद में अब उन्होंने फिर से वक्फ बोर्ड वालों के पास जाके परमिशन लेके आए गए थे, लेके आके काम स्टार्ट कर रहे थे। वक्फ बोर्ड वाले कंडीशन पे दिए, ये मुतवली है दरगाह के, ये मेरे सास है नो। अच्छा, जी जी मुतवली है, उन्होंने स्टॉप करा दिए काम उनका। आपका नाम सर? मेरा सैयद अरशद अली है। अभी डबिलपुरे में आप कंप्लेंट लिखा है या नहीं लिखा? लिखा दिया मैं कंप्लेंट, मैं अभी थोड़ी देर पहले लिखा। उन्होंने एक्नॉलेजमेंट नहीं दिए, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि सर्कल साहब अभी उन्होंने सामान उठा लेते पूरा, कुछ भी नहीं करते, आप कंप्लेंट नको दियो। और प्लस हमारा मामला नहीं है, ये जीएचएमसी और वक्फ बोर्ड का मामला है, आप लोग वहाँ जाके देख लो बोल रहे हैं। वक्फ बोर्ड में हम कंप्लेंट दिए एक साल पहले दिए थे, अभी हम लोग यहाँ से वक्फ बोर्ड ही जाएंगे, वहाँ पे जाके उनको फिर देंगे कंप्लेंट। अभी फ्रेश पेपर नहीं दिए? अभी फ्रेश पेपर नहीं दिए, एक्नॉलेजमेंट पूछा हमें, नहीं दिए उन्होंने मेरे को। हमारे वक्फ बोर्ड वाले यही बोले थे कि भाई हम आके कंस्ट्रक्शन रुका देते, आप लोग ना बीच में नको बोलो। और हम लोग कई बार कंप्लेन भी कर चुके हैं वक्फ बोर्ड पे कि सर्वे कराओ उसका पूरा बोल के। हाँ, वाइस साहब कोई आए थे, वक्फ बोर्ड के सर्कल इंस्पेक्टर है कहते, उन्होंने आए थे, उन्होंने आके देखे गए, सर्वे करता हूँ मैं इसका। कुरान शरीफ ला के दा रहे हैं और शराफ के बाटलों भी कब्रिस्तान में, कितने बार में उठा के फिकाने लगे मजदूरों से। कुरान शरीफ भी बहुत डाल दे रहे हैं कब्रिस्तान में ला के। मैडम आपका नाम क्या है? फरीदा बेगम है। और वक्फ बोर्ड वालों को सर्वे के लिए बोलिए, कब्रिस्तान और घरों के सर्वे के लिए बोलिए। वो मैडम आप कितने साल से ये मुतवली है? 6 साल हो रहा, मेरे वालिद थे पहले, वालिद मेरे रहने हयात में मेरे को बनाए सो मुतवली। वालिद साहब थे पहले? जी हाँ वालिद थे, दादा परदादा के ज़माने से चलते हुए आ रहा सो ये। आपके वालिद साहब का नाम? सैयद कौसर अली। ओके मैडम, थैंक यू। और एक चीज़ ये भी है, दरगाह वहाँ पे कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, वहाँ पे पुलिस की राउंडिंग रात में नहीं हो रही, गांजा पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, इसकी वजह से क्या है वहाँ पे डबिलपुरा पीएस ही लगता है। आप लापरवाह नहीं करें ऐसा? हम लोग कई बार बोले, उसके बाद में आते आ जाते, कल आते बोले, उसके बाद में एक दो बार आते, उसके बाद में खामोश हो जाए। ओके सर।